वेलकम बैक एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूनतम पेंशन मिनिमम पेंशन को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हायर पेंशन का मामला लगभग सुप्रीम कोर्ट की ओर से सॉल्व कर दिया गया है। ईपीएफओ ने उसके ऊपर अपनी सर्कुलर भी जारी कर दी है, नियमावली भी जारी कर दी है। जो लोग हायर पेंशन चाहते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट संजोने में लगे हुए हैं, लेकिन हायर पेंशन का फायदा बहुत कम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। गिने चुने जो 10-15% लोग हैं उन्हीं जो है हायर पेंशन का लाभ मिल रहा है। हायर पेंशन का लाभ वही लोग ले सकते हैं जिनकी सैलरी पहले से ही यहाँ पर ज्यादा है और वो चाहते हैं कि हम अपनी ज्यादा सैलरी पर कंट्रीब्यूशन करें ताकि उन्हें जो है और ज्यादा पेंशन यहाँ पर मिल सके। लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी सैलरी ही यहाँ पर कम है, उन लोगों का क्या जिनको यहाँ पर पेंशन ही कम मिल रही है, उनके लिए उनकी न्यूनतम पेंशन मिनिमम पेंशन यहाँ पर बढ़ना जरूरी है। न्यूनतम पेंशन अभी वर्तमान में देखा जाए तो न्यूनतम 1000 रुपए से लेकर 7500 रुपए के बीच में यहाँ पर सरकार की ओर से दी जाती है। इसमें से यदि देखा जाए तो कुछ रिपोर्ट की माने तो 28 लाख पेंशन धारक अभी भी ऐसे है जिनकी न्यूनतम 1000 रुपए भी पेंशन नहीं मिल रही है। ऐसे में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन किस तरह से बढ़ेगी, ये जो है यहाँ पर काफी इम्पोर्टेंट सवाल है। इसी को लेकर एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले यहाँ पर एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए करने, उसे महंगाई भत्ते से जोड़ने और उनके लिए मेडिकल सुविधा फ्री में यहाँ पर दिलाने के लिए रिक्वेस्ट की थी। और यदि ऐसा नहीं होता है तो 15 मार्च को रास्ता रोको आंदोलन की घोषणा भी की थी। आदरणीय मित्रों, जैसे हम सीपीएफसी से मिले थे उसी प्रकार 9 फरवरी 2023 को हम आदरणीय श्रम मंत्री महोदय से मिले थे। उन्होंने जो हमारे साथ चर्चा की या जो हमारी बातें सुनी या उन्होंने जो कही वो काफ़ी पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा कि आपका काम हम करेंगे और हमारी मिनिमम पेंशन मेडिकल का विषय हो चाहे हमारा हायर पेंशन का मामला हो, वो बहुत पॉजिटिव दिखे। लेकिन तब से अब तक हमारा कोई सोल्यूशन तो अभी तक निकला नहीं है, ना कोई पॉजिटिव संकेत आए हैं। तो हमने पहले ही इसके पहले 19 को एक नोटिस भेजी थी कि अगर हमारा काम नहीं होता है तो हम किसी भी दिन भारत में रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। तो हमारा ये कहना है कि अभी, और मंत्री महोदय ने ये भी कहा था कि मैं जल्दी इस पर मीटिंग बुला रहा हूँ, तो हमारा कहना है जल्दी से जल्दी सीबीटी की मीटिंग बुलाइए, आवश्यक उन सब एजेंसीज को बुलाइए, हमारा प्रश्न आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो हमने डिसाइड किया है 15 मार्च 2023 को आने वाले पूरे भारत में रास्ता रोको आंदोलन होगा और ये आंदोलन कम से कम 200 जगह पे होगा और ये आंदोलन सारे वृद्ध मिलके करेंगे। और अपनी मांग जब तक सफल नहीं होती है, जब हमारी मांगें मान्य नहीं होती है, तब तक हम रास्ते से नहीं उठेंगे चाहे जो अंजाम हो। यही मैं प्रार्थना के साथ, ईश्वर करे हमारी इस भारत सरकार, ईपीएफओ, श्री मंत्री जी सभी हमारी मदद करे और हमें हमारा रास्ता रोको करने की नौबत ना आए। लेकिन अगर नौबत आती है तो हम वो पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम। इसी को लेकर एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से बैनर भी जारी यहाँ पर जो है कर दिए गए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रास्ता रोको आंदोलन दिनांक 15/3/2023 को सुबह 11 बजे से किया जाएगा। जैसा कि आपने माननीय कमांडर अशोक रावत जी को अभी सुना, उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम देश के 200 से भी ज्यादा जगहों पर एक साथ किया जाएगा और तब तक किया जाएगा जब तक कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन की मांगे यहां पर स्वीकार नहीं की जाती। इसी के बैनर में उन्होंने लिखा है कि रास्ता रोको आंदोलन क्यों किया जा रहा है, देश के वृद्ध 70 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर क्यों हैं? क्योंकि यह ईपीएस 95 पेंशनर्स का जीवन मरण का प्रश्न है, इसीलिए सभी नागरिकों से उनकी असुविधा के लिए क्षमा मांगते हुए रास्ता रोको आंदोलन का निर्णय लिया है। देश के अनेकों प्रमुख स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र के एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लिए ईपीएस 95 पेंशनर्स द्वारा ऐतिहासिक रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा। यहाँ पर कुछ और प्रमुख बातें लिखी है, देश के 70 लाख औद्योगिक सार्वजनिक सहकार निजी क्षेत्र के रिटायर्ड कर्मचारी जिन्होंने अपने सेवा काल के दौरान फंड के तौर पर 417,541 रुपए 1250 रुपए प्रति माह अंशदान किया, वे देश के नव निर्माण में अपना खून पसीना बहाकर देश को समृद्ध बनाया,
आज वही पेंशनर्स औसतन रुपए 1171 प्रति महीने मिलने के कारण अत्यंत दयनीय व मरणासर्त अवस्था का जीवन जी रहे हैं। सम्मान पूर्वक पेंशन की चाह में व मेडिकल सुविधा के अभाव में मरते जा रहे हैं। इन पेंशनधारकों की मांगे है कि दो व्यक्ति यानी कि पति पत्नी को जीवन यापन हेतु मासिक पेंशन 7500 उस पर महंगाई भत्ता दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें बिना भेदभाव के सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का लाभ दिया जाए, मेडिकल सुविधाएं दी जाए और जो ईपीएस 95 निवृत्त कर्मचारी है उन्हें जो है योजना में समावेश कर उन्हें भी न्यूनतम 5000 रुपए मासिक पेंशन यहाँ पर दी जाए। इस तरह की कुछ डिमांड्स के साथ ईपीएस 95 पेंशन धारक 15 मार्च 2023 को सड़कों पर उतरने जा रहे हैं, रास्ता रोको आंदोलन करने जा रहे हैं। इसी तरह का एक और बैनर आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश की ओर से 15 मार्च रास्ता रोको आंदोलन, और उसमें प्रमुख डिमांडें लिखी है कि न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए प्रति महीना किया जाए, सभी पेंशनर्स पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए, ईपीएस 95 पेंशन से वंचित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 5000 रुपए प्रति महीना दिया जाए। इस तरह का एक बैनर और यहां पर जो है आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि कुल मिलाकर ईपीएस 95 पेंशन धारक रास्ता रोको आंदोलन की तैयारी में लगे हुए है। ऐसे ईपीएस 95 पेंशन धारक जिनको कि हायर पेंशन का लाभ भी नहीं मिल रहा और उनकी न्यूनतम पेंशन भी यहाँ पर बहुत कम है, तो यदि आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो क्या आप भी 15 मार्च के रास्ता रोको आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।